खाना बनाना तुम्हें आता है नहीं, घर के कामों में तुम्हें वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और शादी की पड़ी है तुम्हें। बेटा ऐसे नहीं चलती शादियाँ, ठीक है? और ये फालतू की बकवास ना आगे से मेरे सामने मत करना। रखो फोन। यार तुम अपनी बहन से इस तरीके से बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बहन से नहीं अपने भाई से बात कर रही थी। तुम्हें बताओ, कल को मेरा भाई ऑफिस से थका हारा घर पे आएगा तो उसकी बीवी को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? ये बात तो तुमने एकदम सही बोली। कूद के मर जाना। तुम्हें चाहिए कुछ खाने को, ला के दो। हाँ किचन से कॉफी ला के दो मुझे। यार तुम शादी मत करना। तो दोस्तों कल हमने एक फेक आईडी से अपने पति से चैटिंग करवो शुरू करो। अच्छा। तब हमारे पति ने बताओ कि उनकी पत्नी को मरे 3 साल हो गए। अब ये दुख हमसे झेलो नहीं जा रहे दोस्तों। हम क्या करें? बच्चे सो गए दोनों? दोनों? अरे एक ही बच्चा है हमारा। पेट तो पी के आया हूँगा, चल गरम कर के। अरे खाना गरम कर दे बाबू, तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे? हाँ बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं, तुम दारू पे क्यों, मैं खाना गरम करूँ? मतलब तू के चावे दारू भी तू ही पिएगी? चुप कर, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तुमसे शादी करके। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। हेलो हेलो पंजीता वाली, कैसी हो तुम? अरे बहन लड़कियों से मत पूछा कर कैसी हो कैसी नहीं हो। अरे बहन हम लड़कियों की तो जिंदगी शादी से पहले भी झंड, शादी के बाद भी झंड। कैसे? अरे शादी से पहले कौन था, हम अपनी मर्जी के सारे काम कर रहे हैं। बड़े गले का सूट मत पहनो, छोटे गले का सूट मत पहनो, आधी आस्तीन का मत पहनो, पूरी आस्तीन का मत पहनो, ज्यादा छत पे खड़ी मत हो, खिड़की पे मत खड़ी हो। किसी फ्रेंड की शादी में जाना हो तो कौन सी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, उसका नाम क्या है, उसका नंबर देके जा, वो रहती कहाँ है, अपने भैया को साथ लेके जा। अरे एक टेंशन है, जिंदगी झंड करके रखते हैं और यूं और कहेंगे भैया जो करना ना शादी के बाद कर लेना अपने पति के साथ। ये पति है ये ऐसा मिला, ये घर वालों से भी 4 कदम आगे है। इसके सामने घूंघट करो, उसके सामने ऐसे मत आया करो, ऐसे मत बैठा करो, मेरे अब्बा बैठे हो तो यूं मत करा करो, ऐसे झुक कर आया करो, लेट कर आया करो, बैठ कर आया करो। अरे भैया ये बीबी थोड़ी लाया, रोबोट लाया है। और सुन ले ससुराल में ऐसे बैठती हूँ जैसे तमाशा नहीं करते, वो मदारी उनकी बंदरिया की तरह पूरे दिन मेकअप करके रहूं, लाल लिपस्टिक पाउडर फलाना ऐसी बंदरिया लगती हूँ, ऐसे घूमती रहे, मतलब के मेकअप उतर न जाए मेरा जरा सी देर, ऐसी सास बुढ़िया मेरे पीछे। मम्मी आप तो यूँ कहती थी कि जहाँ घूमना है अपने पति के साथ घूमना, और यहाँ मेरी सास कह रही है कि बस अपनी माँ के घर बहुत घूम लिया, अब यहाँ घर का काम करो। अरे ऐसा कुछ मांग जो बचपन से तुझे कभी नहीं मिला, सोना चांदी हीरा मोती, अगर तुझे नहीं चाहिए तो मांग के मुझे दे देना, सोच सोच जल्दी। किचन से एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि मैं दिन रात बस काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, मुझे तो संडे की भी छुट्टी नहीं है, एक दिन की छुट्टी दे दो। तुम तो जानते हो ना मेरी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई थी, मेरा भी मन करता है मैं कहीं बाहर जाऊँ घूमूं फिरूं,